नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल माय व्यूअर्स टू स्टडी टाइम चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम किसी न किसी कारण से सब के सब परेशान हैं, पर कभी आपने क्या ये सोचा है कि हम परेशान क्यों रहते हैं? किसी को एग्जाम का टेंशन है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, मिल रही है तो अपनी मनपसंद की नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है और कोई ना कोई किसी ना किसी का बीमार पड़ा हुआ है, उसे टेंशन रहती है। पूरी दुनिया अपनी टेंशन में उलझी हुई है। क्या आप जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम परेशान क्यों रहते हैं? हमें बार बार छोटी छोटी बातों पर टेंशन क्यों होती रहती है? क्योंकि हम सब के सब भौतिकता में जी रहे हैं। यहां तक कि भगवान बुद्ध तक ये कह गए हैं कि इंसान को संसाधनों का लालच ही परेशान करता है। मतलब आप भौतिक संसाधनों के पीछे जब दौड़ते हैं तो आप परेशान रहते हैं। छात्र जो हैं नंबरों के लिए परेशान हैं, उन पर समाज का प्रेशर है, उनके माँ बाप का प्रेशर है। नौकरी होगी तो घर चलेगा भैया, स्टेटस बढ़ेगा, ठीक है, और जब तक नौकरी ना मिले टेंशन, और जब मिलती है तो अपनी मन की नहीं मिलती। काश अगर मैं वो होता, काश मैं ये होता, टेंशन टेंशन टेंशन। शादी नहीं हो रही है तो समाज सताने लग जाता है, ताने देने लग जाता है। माँ बाप परेशान रहते हैं, आखिर क्यों नहीं हो रही भाई शादी, पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई लड़की या लड़के में खोट होगा। इस भाग दौड़ में बीमार पड़ना स्वाभाविक है। हम भागते भागते खाते हैं, भागते भागते पीते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। शरीर प्रकृति का है और आप इसमें रसायन डाले जाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। तो बहुत कुछ मिलाकर हम एक प्रकार से इस पृथ्वी के साथ साथ भागी तो रहे हैं। जरा सोचो, अगर आप छात्रों पर प्रेशर ना डालो या उनके माँ बाप उन पर प्रेशर ना डाले, समाज का प्रेशर ना हो, तो वो नंबर लाने का प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहेगा। अपने टैलेंट के हिसाब से छात्र जो हैं अपनी फील्ड में एक नाम कमाएंगे। वो वही करेंगे जो उनको करना चाहिए और जो प्रकृति ने उनके अंदर जो टैलेंट डाल रखा है उस हिसाब से अगर वो करें तो वो कितना आगे जा सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर लें, सचिन तेंदुलकर के अंदर प्रकृति ने क्रिकेट खेलने के लिए एक टैलेंट उनको दिया था। जरा सोचो, अगर सचिन बैट की जगह फुटबॉल अगर इस्तेमाल करते तो क्या वो एक महान खिलाड़ी बन सकते थे? अगर स्टीव जॉब्स अगर सॉफ्टवेयर की लाइन ना पकड़कर अगर मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा नौकरी धंधा करते तो क्या वो कर लेते? जी नहीं। सबके अंदर कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, तो उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। हम सबके सब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद में सबके सब नौकरी की तरह निकल जाते हैं, नौकरी की तलाश, नौकरी की तलाश। अखबार देखना शुरू है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वगैरह, इनके चक्कर काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। कभी मिलती है तो अपनी मनपसंद की नहीं मिलती है। तो आप कभी सोचो कि एक रैट रेस आप कर रहे हो, भीड़ चाल आप चल रहे हो कि मेरे भाई ने ये नौकरी करी तो मैं ये करूं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना खुद का काम धंधा क्यों नहीं शुरू करते? क्या धीरू भाई अंबानी ने, जो बहुत सिंपल से बैकग्राउंड से थे, अगर ये सोचा होता कि मेरे जेब में पैसा नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता और उस समय के जो महान जो बिजनेसमैन होंगे उनकी बराबरी नहीं कर सकता, तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी को वो खड़ा कर सकते थे? जी नहीं। तो आप भी कुछ ना कुछ अपने टैलेंट के हिसाब से उस भाग दौड़ से निकलो, भाग दौड़ से निकलो और अपना कुछ शुरू करो अगर कर सकते हो तो। थोड़ा सा हौसले की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये आसान है कहना, बट मुमकिन भी तो नहीं है, ठीक है। नामुमकिन कुछ नहीं होता, सब कुछ मुमकिन है। नामुमकिन में से आप ना हटा दीजिए और हाँ कर दीजिए, जी हाँ मुमकिन, तो देखिए खुद ब खुद चमत्कार होने लग जाएगा। अगर हम शादी ब्याह के चक्कर में ना पड़कर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अपने अच्छे व्यवहारिक जीवन को बनाने में लगा दे तो कितना अच्छा होगा। अगर आपका खुद ब खुद टैलेंट निखरेगा, अगर आपका डेवलपमेंट खुद होगा और अगर आप अच्छी राह पकड़ लो या नौकरी प्राप्त कर लो या खुद अपना बिजनेस अगर काम धंधा चल जाए, तो
शादी करने के लिए लोग खुद ब खुद पीछे दौड़ जाएंगे। मैंने देखा है कि लड़कियां परेशान रहती हैं, लड़के परेशान रहते हैं, जी उम्र हो गई, माँ बाप बोलने लगते हैं उम्र हो गई जी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनकी मत सुनो, आप वही सोचो वही करो जो आपको करना चाहिए, क्योंकि जीवन आपने जीना है, वो केवल आपके एक सहयोगी हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। झेलना आपने है, पत्थर आपने खाना है, और फूल भी और उसकी माला भी आपके गले में आनी है। तो डिफरेंस ये है कि आप चुनते क्या हो, पत्थर या फूल। फूल तो उसके लिए आपको उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, अपनी पूरी शक्ति जो है अपने डेवलपमेंट में लगानी होगी। तो देखा आपने, अगर हम इन सब भेड़ चालों को छोड़कर अपनी पूर्ण शक्ति को अपने डेवलपमेंट में लगा दें तो इससे कितना फर्क आपको देखने में लगेगा। पॉजिटिव सोच आपको कितना आगे लेके जाती है, और नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार जो होते हैं, आपको कितना पीछे घसीटते हैं। आप जो चूहे की जो दौड़ है या भेड़ चाल जो है उसको छोड़ के, थोड़ा लीग से हट के कुछ काम करने की सोचोगे तो ही आप सफल होगे। छात्रों को अपने नंबरों को छोड़ के अगर आप अपने विकास में लगा दो, और समझाइए पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, समाज को कि जी प्रेशर ना डालो, और डाल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, ठीक है, और पूर्ण अपनी शक्ति लगा दीजिए अपने जीवन के विकास में। ये जीवन आपने जीना है, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर काया दी है, उसका आप पूर्ण इस्तेमाल कीजिए। और उदाहरण के लिए जितने भी आज महान लोग हैं उनमें एक ही आपको कॉमन चीज देखने को मिलेगी, उन्होंने अपना पूर्ण विकास किया और अपनी पूर्ण एनर्जी, पूर्ण शक्ति को उन्होंने अपने फील्ड में डाला जिनके लिए वो बने थे। तो आप भी कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये है आप में और उनमें, विचार, सोच। सोच, एकाग्रता और अपनी शक्ति आप अपने मिशन पर लगा दो तो आप भी वो कर सकते हो जो लोग करके जा चुके हैं, और उनसे बढ़िया आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।